मेरे पास ये दो डिवाइस है और इनके ऊपर मैं करने वाला हूँ एक छोटा सा स्पीड टेस्ट, Dimensity 6020 वर्सेस Dimensity 7050। दोनों के अंदर काफी अंतर है, वीडियो के एंड तक देखना और काफी इंटरेस्टिंग लगेगा इसका रिजल्ट देख के। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करिए, चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन प्रेस करना। दोनों डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कौन कितना जल्दी रिस्टार्ट हो जाता है। यहां पर मैं टाइमर सेट किया हूं, वन टू थ्री। दोनों के अंदर हमें कौन सबसे पहले दिखेगा और कितने सेकंड में दिख जाएगा, देखो एक्यूरेट टाइम में यहां पर प्राउडली इंडियन बराबर की दिख रहा है, काफी टक्कर की बात है यार। यहां बस एक दो सेकंड की फर्क है, 30 सेकंड के आसपास हमें देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर। रीस्टार्ट होने के लिए 30 सेकंड देखने को मिल जाता है जो कि दोनों डिवाइस के अंदर। ब्लेज प्रो 5G में स्क्रीन थोड़ा बड़ा है आप देख सकते हो ऑब्वियसली, तो यहां पर हमें 2460x1080 देखने को मिल जाता है और देन लावा अग्नि 2 के अंदर 2400x1080 देखने को मिल जाता है। दोनों डिवाइस के अंदर हमें वाइड बैंड सपोर्ट मिल जाता है L1 की, और जो कि आप HD कंटेंट देख सकते हो Amazon प्राइम वगैरह में। दोनों डिवाइस के अंदर बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। और चलो अब जो है एक ऐप ओपनिंग सेटअप हम कर देते हैं। बस आप यहां पे देख लिए एप्लीकेशन ओपनिंग के अंदर, और एप्लीकेशन ओपनिंग में अंदर क्या अंतर है 6020 वर्सेस 7050। यहां पर मैंने एक एक्सपोर्ट करके दिखाया था काइनवेस्टर का, यहां पर ये वाला फोन मुझे अच्छा लगा जो कि ब्लेज प्रो। खैर अब जो है जो एप्लीकेशन हम ऑनलाइन में ओपन करके रखे हैं जो कि आप देख सकते हो कितना टाइम लग जाता है वो एप्लीकेशन ओपन होने में। देखिए यहाँ पर 33.81 सेकेंड में हमें देखने को मिल जाता है ब्लेज प्रो के अंदर, ठीक है ना। अब सेम टू सेम हम इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं, इसको मैं रीसेट किया, लावा अग्नि 2।
यहाँ पर 30.13 में, मतलब थोड़ा सा फर्क है, 3 सेकंड फास्ट है लावा अग्नि 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के अंदर, हमें एक और छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या डिटेल्स आ रहा है दोनों के अंदर, जो सेम वाईफाई रन कर रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। दोनों के अंदर हमें 5G बैंड देखने को मिलता है और दोनों के अंदर जो प्रोसेसर है थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या काफी अंतर है, और ये दोनों प्रोसेसर के अकॉर्डिंग और इस फोन के अंदर जो वाईफाई हम रन करते हैं तो क्या इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है सेम स्पीड या कुछ अलग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। ब्लेज प्रो 5G जो है, जो कि डायमेंसिटी 6020 अच्छा रिजल्ट ले गया है, आप देख सकते हो डाउनलोडिंग अपलोडिंग, और यहाँ पर जो कि डायमेंसिटी 7050 लावा अग्नि 2 इसके अंदर आप रिजल्ट देख सकते हो सेम वाईफाई से, और यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस होने के बाद जो कि इंटरनेट अप डाउन होता रहता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा लगा नया डिवाइस है दोनों को आपस में। अगर आप देखते हो थोड़ा सा फर्क है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन देखो मार्जिन जो है कितना फर्क है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों डिवाइस का, एक का प्राइस है 20-21 हजार है और एक का प्राइस है 13 हजार, दोनों 5G डिवाइस है, और दोनों में आपको प्राइस के अकॉर्डिंग स्पीड टेस्ट कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो एक लाइक कर देना, आपके सुझाव, आपका एक फीडबैक जरूर कमेंट करके देना, ताकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो आप कमेंट कर दिया करो। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।